दोस्तों इन्फिनिक्स अपनी स्टाइलिश डिजाइन और कम प्राइस पर अच्छी स्पेसिफिकेशन देने के लिए जाना जाता है। और गाइस अगर हम बात करें इन्फिनिक्स की, तो भाई अगर आप यहाँ पर इन्फिनिक्स के फैन हैं और आपको यहाँ पर इन्फिनिक्स की तरफ से कोई अच्छा फोन लेना है, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 4 बेस्ट इन्फिनिक्स स्मार्टफोन्स अंडर 15,000 रुपीस। वैसे दोस्तों इस प्राइस पर आने वाले सभी फोन्स इन्फिनिक्स की तरफ से काफी कमाल के हैं। सो दोस्तों वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव और काफी हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस लिस्ट को एक ऐसे स्मार्टफोन से जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है। और अच्छी बात यह है कि स्मार्टफोन के अंदर आपको 12 5G बैंड्स मिल जाते हैं, तगड़ी परफॉर्मेंस मिल जाती है और तो भाई फोन काफी चीप प्राइस पर भी आता है। ये फोन यहाँ पर इन्फिनिक्स का हॉट 20 5G। सो गाइस ये जो फोन है, हालांकि आपको प्लास्टिक बिल्ड पर मिलता है, प्लास्टिक की फ्रेम, प्लास्टिक का बैक दिया गया, पॉसिबली फ्रंट में एनर्जी का प्रोटेक्शन भी आपको मिलता है। सो बिल्ड क्वालिटी अच्छी है और बैक से काफी शाइनी डिजाइन भी आपको मिल जाता है। ओवरऑल लुक और डिजाइन में आपको यहाँ पर कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली। आगे और बात करते हैं आप यहाँ पर फोन के मुखड़े की। इस फोन के अंदर आपको दी गई 6.6 इंचेस की एक फुल HD प्लस वाली TFT LCD पैनल। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होगा, बट ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी है, तो उससे आपको यहाँ पर कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली है। 500 nits की आपको यहाँ पर ब्राइटनेस मिल जाती है, वाइड बैंड L1 का सपोर्ट भी आपको दिया गया है और तो भाई यहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट और पॉसिबली 180 हर्ट्ज की आपको यहाँ पर टच सैंपलिंग रेट मिलती है। सो डिस्प्ले क्वालिटी यहाँ पर देखेंगे तो भाई अच्छी है, चाहे कंटेंट वॉच करना हो चाहे गेमिंग करनी हो, आपको यहाँ पर कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली। तो बढ़ते आगे और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के कैमरास की। सो बैक साइड में आपको यहाँ पर ड्यूअल कैमरास देखने को मिलेंगे, जहाँ पर मेन कैमरा लगा हुआ है 50 मेगापिक्सल का और दोस्तों ये आता है यहाँ पर f1.6 अपर्चर के साथ में। यहाँ पर अगर फोटोग्राफी की बात करें गाइस, तो आपको डे लाइट वगैरह में फोटोज अच्छी मिलती है, नाइट मोड वगैरह भी आपको यहाँ पर दिया गया है, जहाँ पर आपको डिसेंट शॉट्स देखने को मिल जाएंगे। वैसे अगर दूसरे सेंसर की बात करें तो ये एक AI लेंस है और हम सभी जानते हैं दोस्तों कि ये यहाँ पर किसी भी काम का नहीं होता। सेल्फी की बात करें तो आपको मिलता है यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर, जहाँ पर आपको ड्यूल LED फ्लैश भी मिल जाएंगे, जहाँ पर आप नाइट में भी फ्लैश का इस्तेमाल करके आप यहाँ पर अच्छे फोटोज निकाल सकते हैं। तो और इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से आपको यहाँ पर कैमरा से भी कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली है। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो आप यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे अप टू 30 FPS फ्रंट और बैक कैमरा से। तो बढ़ते दोस्तों आगे और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के चिपसेट की। इस फोन के अंदर आपको मिलता है MediaTek का Dimensity 810 का चिपसेट, 6 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन पर आता है और आपको यहाँ पर बैटरी एफिशिएंसी काफी अच्छी निकाल कर देता है, साथ ही साथ आपको यहाँ पर इस बजट के हिसाब से परफॉर्मेंस भी अच्छी निकाल कर देता है। वैसे अभी रिसेंटली स्मार्टफोन पर Antutu टेस्ट भी किया गया था, जहाँ पर लगभग 3 लाख के आसपास के Antutu स्कोर भी आ रहे थे। सो देखा जाए तो यहाँ पर परफॉर्मेंस बजट के हिसाब से आपको अच्छी मिलने वाली है। गेमिंग की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है Mali G57 MC2 का एक 2 कोर का GPU, जो कि आपको इस बजट के हिसाब से गेमिंग भी काफी अच्छी कराता है भाई, उसमें भी आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती। बट थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर आपको ये आने वाली है, क्योंकि इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर 4 GB की रैम मिलेगी प्लस 3 GB की वर्चुअल रैम का सपोर्ट भी मिलेगा और रैम की क्वालिटी आपको मिलेगी LPDDR4X, तो ये तो अच्छा है। लेकिन अगर हम स्टोरेज की बात करें तो 64 GB की स्टोरेज आपको मिलेगी, जहाँ पर आपको 1 TB तक की एक्सपेंडेबल स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा। बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये दोस्तों कि आपको यहाँ पर मिलता है eMMC 5.1 का स्टोरेज, यानी दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी कटौती की गई है स्मार्टफोन को इस प्राइस पॉइंट पर लॉन्च करने के लिए। बट ओवरऑल यहाँ पर थोड़ा सा परफॉर्मेंस में तो फर्क पड़ेगा, लेकिन फिर भी दोस्तों आपको इस बजट के हिसाब से जो परफॉर्मेंस मिल रही है फोन की वो काफी अच्छी है, तो उसमें आपको यहाँ पर कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। बैक साइड में आपको 5000 mAh की बैटरी मिलने वाली है, साथ ही आपको यहाँ पर 18 W की चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा, चार्जर बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट मिलेगी, तो बैटरी मॉड्यूल में भी आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और भाई अगर हम बात करें स्मार्टफोन के पहनावे की, तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक जैसे फीचर्स मिल जाएंगे, 3.5 mm का जैक भी फोन के अंदर दिया गया है, तो ये अच्छी बात है। और आपको यहाँ पर एक सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर मिलता है, हालांकि ऑडियो क्वालिटी लाउड है, बट यार वो क्वालिटी नहीं है जो कि आपको मज़ा दे, बट फिर भी आपको यहाँ पर स्पीकर्स लाउड इनफ मिल जाएंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और हाँ भाई कार्ड ऑप्शन की बात करें तो आपको यहाँ पर ट्रिपल कार्ड का स्लॉट मिलेगा, सो आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G SIM और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। वैसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि स्मार्टफोन के अंदर आपको आउट ऑफ द बॉक्स 5G का सपोर्ट मिल जाता है, किसी अपडेट के वेट करने की जरूरत नहीं है, तो ये बहुत अच्छी बात है। वैसे अगर हम बात करें स्मार्टफोन की आत्मा की, तो भाई ये स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है एंड्रॉइड 12 पर, जहां पर आपको मिलता है XOS 10.6। थोड़े मोड़े इंप्रूवमेंट हुए हैं, बट स्टिल आपको यहां पर बग्स वगैरह मिल जाते हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं और भाई एड्स वगैरह भी हैं, लेकिन उसी के साथ में काफ़ी अच्छे और तगड़े फीचर्स भी मिलते हैं। सो ओवरऑल दोस्तों मेरे हिसाब से आपको यहां पर सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस डिसेंट मिलने वाली है। और तो और भाई यहाँ पर इन्फिनिक्स स्मार्टफोन को एक शुद्ध 5G स्मार्टफोन कहता है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपको अप टू 12 5G बैंड्स मिलते हैं, जो वैसे प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखा जाए गाइस तो फोन काफ़ी ज़बरदस्त है,
हालांकि यहाँ पर थोड़े मोड़े कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे, जैसे कि EMMC वाली स्टोरेज आपको मिलती है, वाटर ड्रॉप नॉच दिया गया है और फ्रंट लुक थोड़ा सा आउटडेटेड देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ पर जो UI दोस्तों, वहाँ पर थोड़े मोड़े बग्स वगैरह भी आपको यहाँ पर झेलने पड़ेंगे। बट प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखेंगे गाइस तो कैमरास अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, बैटरी परफॉर्मेंस अच्छी है, साथ ही साथ डिस्प्ले से भी आपको यहाँ पर कोई खास दिक्कत तो नहीं आने वाली है और भाई फ़ोन की परफॉर्मेंस भी अच्छी है। सो इस बजट के हिसाब से देखेंगे तो भाई फोन अच्छा है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली देख सकते हैं। बात कर लेते हैं प्राइसिंग की, तो 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के साथ में आपको देने होंगे पूरे 12,000 रुपये। पर दोस्तों अगर आप यहां पर बैंक ऑफर्स लगा सकते हैं तो ये फोन आपको सिर्फ 11,000 रुपये की प्राइस पर मिल सकता है। सो अगर आप इस फोन में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस फोन की तरफ डेफिनेटली देख सकते हैं। सभी के बेस्ट बाय लिंक्स भी दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। और दोस्तों लिस्ट का जो हमारा अगला फोन है, ये फोन इस बजट के अंदर आने वाला काफी अच्छा ऑलराउंडर फोन है, जो कि आपको इन्फिनिक्स की तरफ से मिल जाता है। स्मार्टफोन का नाम है इन्फिनिक्स नोट 12 प्रो 4G। बात करें इस फोन की दोस्तों, तो ये स्मार्टफोन भी आपको प्लास्टिक बिल्ड पर मिलता है, हालांकि बैक में ग्लॉसी फिनिशिंग दी गई है, तो बैक लुक भी अच्छा है और फ्रंट लुक भी आपको अच्छा मिल जाता है, तो वहां पर आपको डिजाइन में तो कोई शिकायत नहीं आने वाली। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कुछ अदर फीचर्स की। तो गाइस यहां पर आपको साइड माउंटेड वाला फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा, 3.5mm का जैक दिया गया है, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं जहां पर आपको DTS सराउंड साउंड का सपोर्ट मिल जाता है, तो ये अच्छी बात है। साथ ही में ट्रिपल गार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। और हाँ दोस्तों, ये स्मार्टफोन आता है लेटेस्ट एंड्रॉइड 12 पर, जहां पर आपको मिलता है XOS 10.6। हालांकि अभी भी थोड़े बग्स वगैरह हैं, लेकिन फिर भी आपको सॉफ्टवेयर काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। इसी के साथ में दोस्तों बढ़ते आगे और अब बात करते हैं फोन के बाकी फीचर्स की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.7 इंचेस की एक बड़ी सी फुल HD+ की AMOLED पैनल, जहां पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिल जाता है। साथ ही में 1000 nits की आपको यहां पर ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है, तो ये काफी अच्छी बात है। साथ ही में दोस्तों यहां पर आपको 60Hz की रिफ्रेश रेट और 180Hz की टच सैम्पलिंग रेट भी मिलती है। तो डिस्प्ले क्वालिटी फोन के अंदर आपको काफी अच्छी मिल जाती है, डिस्प्ले से आपको यहां पर कोई शिकायत नहीं आएगी। कैमरास की बात करें तो बैक साइड में आपको यहां पर ट्रिपल कैमरास मिलते हैं, जहां पर मेन कैमरा लगा हुआ है 108MP का। जी हाँ दोस्तों, साथ ही में 2MP का आपको डेप्थ और साथ में आपको यहाँ पर एक AI लेंस मिल जाता है। सामने की बात करें तो सामने आपको दिया गया है 16MP का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर अच्छा दिया गया है और भाई डे लाइट में फोटोज वगैरह भी अच्छी आ जाती हैं, तो उसमें भी आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आएगी। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें दोस्तों, तो अल्ट्रा HD ना सही, लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर 2K रिजोल्यूशन तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं फ्रंट और बैक कैमरा से अप टू 30fps, तो ये काफी अच्छी बात है। इसी के साथ में दोस्तों बात कर लेते हैं अब यहाँ पर फोन के चिपसेट की। तो फोन के अंदर आपको दिया गया है एक लेटेस्ट चिपसेट MediaTek का हीलियो G99 का चिपसेट। और गाइज ये चिपसेट काफी अच्छा है, 6 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर बना है, जिससे आपको यहाँ पर हीटिंग वगैरह की दिक्कतें काफी कम आती हैं। और तो और फोन के अंदर आपको लिक्विड कूलिंग सिस्टम भी दिया गया है, जिससे आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस और भी ज्यादा बेटर मिलती है। तो डेली टास्क और मल्टीटास्किंग में तो आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आएगी। गेमिंग की बात कर ले तो भाई गेमिंग भी आप यहाँ पर काफी अच्छी कर सकते हैं। वैसे दोस्तों अगर हम बात करें फोन के पावर हाउस की, तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000mAh की बैटरी मिल जाती है, जहां पर 33W की चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलेगा और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट मिल जाती है। सो बैटरी मॉडल से भी आपको यहाँ पर कोई भी शिकायत नहीं आती। सो बेसिकली दोस्तों इस फोन के अंदर आपको AMOLED की पैनल मिल रही है, अच्छे कैमरास दिए गए हैं, परफॉर्मेंस काफी अच्छी मिल जाती है, साथ ही बड़ी रैम और बड़ा स्टोरेज भी आपको मिल जाता है। सो चाहे तो आप स्मार्टफोन की तरफ भी देख सकते हैं। बात करें प्राइसिंग की, तो यहाँ पर आपको 8GB की रैम प्लस 5GB की वर्चुअल रैम मिलेगी, जिसका मतलब कि 13GB की रैम और 256GB की स्टोरेज आपको मिल जाती है। और इस बजट के अंदर भाई आपको यहाँ पर 256GB की स्टोरेज कोई भी प्रोवाइड नहीं करता है, तो यहाँ पर आपको स्टोरेज काफी अच्छी मिल रही है। चाहे तो आप स्मार्टफोन की तरफ भी देख सकते हैं, ये स्मार्टफोन आपको मिलेगा 14,999 रुपये की प्राइस पर। सो चलिए अब बढ़ते हैं लिस्ट के अगले फोन की तरफ। तो दोस्तों अगला जो स्मार्टफोन है, ये भी फोन इस बजट के अंदर आने वाला एक 5G फोन है, और अच्छी बात है कि लगभग ऑलराउंडर है। ये फोन है यहाँ पर इन्फिनिक्स का नोट 12 5G। तो दोस्तों ये फोन आपको प्लास्टिक बिल्ड पर ही मिलेगा, लेकिन लुक वाइज फोन काफी अच्छा दिया गया है और बिल्ड क्वालिटी भी आपको फोन की काफी अच्छी मिल जाती है, तो दोनों ही मामले में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आती। रही बात फोन के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स और साथ ही साथ ट्रिपल कार्ड का ऑप्शन भी मिलेगा, तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G सिम और 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। यूजर इंटरफेस की बात करें भाई, तो ये फोन आता है लेटेस्ट एंड्रॉइड 12 बेस XOS 10.6 पर। हालांकि सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस अभी भी आपको यहाँ पर थोड़ी डिसेंट ही मिलने वाली है, क्योंकि थोड़े मोड़े ब्लॉटवेयर ऐप और ऐड अभी भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं।
तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं फोन के मेन फीचर्स की। सो भाई इस फोन के अंदर लगी हुई है 6.7 इंचेस की फुल एचडी प्लस वाली एमोलेड की डिस्प्ले, जहां पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है, अप टू 700 नीट्स की ब्राइटनेस दी गई है, वाइड बैंड L1 का सपोर्ट मिल जाता है और स्टैंडर्ड 60Hz की रिफ्रेश रेट, लेकिन 180Hz की टच सैम्पलिंग रेट आपको मिलती है। गेमिंग वाइज आपको यहाँ पर थोड़ी सी नॉर्मल जरूर मिलेगी, लेकिन ओवरऑल डिस्प्ले की जो क्वालिटी है वो आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी मिलती है। बात कर लेते हैं फोन के कैमरास की, तो बैक साइड में आपको मिलते हैं 3 कैमरा, जहां पर मेन कैमरा आपको मिलता है 50 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया गया और तीसरा आपको यहां पर 2 मेगापिक्सल का एक QVGS सेंसर मिल जाएगा लो लाइट सेंसिंग के लिए। रही बात सेल्फी कैमरा की, तो वो आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। तो कैमरा सेटअप 5G के तौर पर देखेंगे तो ठीक ही है और डे लाइट वगैरह में फोटोज भी अच्छी आती हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन की बात करें तो आपको यहां पर 2K रिजोल्यूशन तक की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है अप टू 30 FPS, तो ये काफ़ी अच्छी बात है भाई, क्योंकि ओवरऑल कैमरा मॉड्यूल यहाँ पर आपको अच्छा दिया गया है। बात कर लेते हैं फोन के प्रोसेसर की, तो फोन के अंदर लगा हुआ है MediaTek का Dimensity 810 का 5G चिपसेट और ये चिपसेट बना हुआ है 6 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन पर, तो हीटिंग वगैरह काफ़ी कम आती है और फोन के अंदर लिक्विड कूलिंग सिस्टम भी दिया गया है, तो आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस और भी ज़्यादा बेहतर मिल जाती है। रही बात दोस्तों परफॉर्मेंस की, तो ये स्मार्टफोन ऑन द सुपर स्कोर करता है लगभग 3.5 लाख के आसपास, और देखा जाए तो डे टू डे परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी मिलती है। गेमिंग की बात कर ले भाई, तो गेमिंग भी आप यहाँ पर काफ़ी अच्छी कर सकते हैं। वैसे दोस्तों स्मार्टफोन के अंदर लगा हुआ है UFS 2.2 का स्टोरेज, जो कि आपको रीड और राइट के साथ साथ ऐप लोडिंग टाइम भी काफ़ी अच्छा निकाल कर देता है। सो ओवरऑल फोन के अंदर परफॉर्मेंस के मामले में तो आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आती। रही बात दोस्तों फोन के पावर हाउस की, तो बैक साइड में लगी हुई है 5000mAh की बैटरी, जहां पर आपको 33 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट मिलती है। सो आपको इस फोन की तरफ क्यों देखना चाहिए, पहला तो आपको यहां पर परफॉर्मेंस बहुत अच्छी निकाल कर देता है, 12 5G बैंड को सपोर्ट करता है, AMOLED की पैनल भी लगी हुई है, वाइड बैंड L1 का सर्टिफिकेशन भी आपको मिलता है, ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स भी दिए गए हैं और तो और भाई फोन के जो कैमराज हैं वो डे लाइट में अच्छे परफॉर्म भी करते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी कुछ कमियाँ हैं, जैसे कि ये जो स्मार्टफोन है काफ़ी सारे ब्लॉटवेयर्स के साथ में आता है और साथ ही साथ आपको यहाँ पर काफ़ी सारे एड्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं। और हाँ एक और चीज़ है कि आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड 60Hz की रिफ्रेश रेट ही देखने को मिलेगी, बट इनके अलावा देखेंगे दोस्तों तो फ़ोन काफ़ी अच्छा है भाई, आप चाहें तो स्मार्टफोन की तरफ देख सकते हैं। बात कर ले प्राइसिंग की, तो 6GB की रैम आपको मिलती है, 3GB की वर्चुअल रैम का सपोर्ट दिया गया है, यानी कि आपको 9GB की रैम 64GB की स्टोरेज आपको मिलेगी और इसके लिए आपको देने होंगे पूरे के पूरे 14,000 रुपये। दोस्तों वैल्यू फॉर मनी फोन है दोस्तों, आप चाहें तो इसे भी एक बार देख सकते हैं। सो दोस्तों इस लिस्ट का जो हमारा अगला फोन है, ये फोन एक काफ़ी अच्छा और पावरफुल गेमिंग फोन है और अच्छी बात यह है दोस्तों कि यहाँ पर आपको फ्लैगशिप लेवल के फीचर्स वगैरह देखने को मिलते हैं। ये फोन है यहाँ पर नेक्स का 05G। फोन की दोस्तों तो यार स्मार्टफोन का जो डिज़ाइन है ये थोड़ा सा अलग और डिफरेंट टाइप का है, तो हो सकता है आपको ये डिज़ाइन पसंद आए, हो सकता है ना भी पसंद आए, हालांकि मेरे हिसाब से तो डिज़ाइन में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली। रही बात दोस्तों स्मार्टफोन के अदर फीचर्स की, तो यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, 3.5mm का जैक दिया गया है, ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स भी आपको मिल जाते हैं, तो कंटेंट वॉचिंग में भी कोई शिकायत नहीं आती है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पर आपको ट्रिपल कार्ड का स्लॉट मिलेगा और ये फोन आता है एंड्रॉइड 11 के XOS 10 पर, तो थोड़े मोड़े ब्लॉटवेयर ऐप और ऐड आपको मिलते हैं, बट दोस्तों यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर से कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं फोन के मेन फीचर्स की तरफ। इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.78 इंचेस की एक फुल एचडी प्लस की IPS LCD पैनल, जहां पर आपको 500 नीट्स तक की ब्राइटनेस मिल जाती है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन आपको दिया गया है, 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट और साथ ही 240 हर्ट्ज की आपको यहां पर टच सैंपलिंग रेट मिलती है। तो भाई चाहे कॉन्टेंट वॉच करना हो चाहे गेमिंग करनी हो, डिस्प्ले क्वालिटी में आपको यहाँ पर कोई भी शिकायत नहीं आएगी। कैमरास की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर ट्रिपल कैमरास का सेटअप मिलता है, जहां पर मेन कैमरा लगा हुआ है 48 मेगापिक्सल का और दोस्तों साथ ही में 13 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर एक टेली फोटो लेंस मिल जाता है, जो कि इस बजट में आपको किसी भी फोन के अंदर नहीं मिलने वाला। साथ ही साथ आपको यहाँ पर 2x ऑप्टिकल जूम भी देखने को मिलता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। साथ ही में दोस्तों 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर एक मैक्रो लेंस दिया गया है। सामने की बात करें तो सामने आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। तो भाई कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर भले ही काफी अच्छा हो, लेकिन इमेज आउटपुट आपको यहाँ पर थोड़े से डिसेंट टाइप के मिलते हैं। रही बात वीडियो रिकॉर्डिंग की, सो गाइस आप यहां पर बैक कैमरा से अल्ट्रा HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अप टू 30 FPS और फ्रंट कैमरा से आपको यहां पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाएगा अप टू 30 FPS। और दोस्तों यहां पर आपको कैमरा थोड़े से डिसेंट मिलते हैं। बात करें अगर फोन की परफॉर्मेंस की दोस्तों, तो फोन के अंदर लगा हुआ है MediaTek का Dimensity 900 का चिपसेट। जी हाँ दोस्तों काफी ज्यादा पावरफुल चिपसेट है, 6 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन पर बना हुआ है, साथ ही आपको यहाँ पर लिक्विड कूलिंग चैम्बर भी मिल जाता है, तो जिससे आपको यहाँ पर गेमिंग परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है, डे टू डे टास्क वगैरह में भी आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आती।
वैसे दोस्तों गेमिंग की बात हो ही रही है तो आपको ये बता दूं कि ये स्मार्टफोन अंततः पर लगभग 5 लाख के आसपास स्कोर भी करता है, जो कि गाइस यार बहुत ही अच्छे स्कोर है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर LPDDR5 की रैम मिलती है और UFS 3.1 का स्टोरेज दिया गया है। सो गाइस यार फोन की जो परफॉर्मेंस है वो आपको यहाँ पर टॉप नॉच मिलती है। परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आएगी। बात कर ले पावर हाउस की तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, 33 वोल्ट की चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है, चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलता है और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट मिल जाती है। सो बैटरी मॉड्यूल आपको यहाँ पर काफी अच्छा मिल जाएगा। सो बेसिकली दोस्तों ये स्मार्टफोन परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्मार्टफोन है जहां पर आपको परफॉर्मेंस काफी अच्छी निकाल कर देगा। साथ ही साथ अगर आप यहां पर एक ट्रू 5G स्मार्टफोन लेना चाहते हैं भाई तो भी ये स्मार्टफोन काफी अच्छा है। आपको यहां पर 13 5G बैंड्स मिल जाते हैं। और रही बात दोस्तों यहां पर स्मार्टफोन की प्राइसिंग की तो 8GB की रैम प्लस 5GB की वर्चुअल रैम आपको मिलती है, जिसका मतलब कि 13GB तक की रैम मिल जाएगी, 128GB की बड़ी स्टोरेज भी आपको मिल जाती है। इसके लिए आपको देने होंगे 17,999 रुपए। बट दोस्तों अभी आपको यहाँ पर बैंक ऑफर्स के साथ में ये फोन मिल रहा है 15,499 रुपए की प्राइस पर। सो देखा जाए तो प्राइस पॉइंट के हिसाब से एक बहुत अच्छी डील है, आप चाहें तो जरूर से देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थे वो कुछ टॉप 4 अल्टीमेट इन्फिनिक्स स्मार्टफोन जो कि आपको मिल जाते हैं अराउंड 15,000 रुपीज की प्राइस पर। तो आप चाहें तो इनमें से किसी भी एक स्मार्टफोन के साथ में जा सकते हैं। सभी के बेस्ट पाइलिंग्स दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे, तो आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। और उम्मीद है कि आप सभी को आज की वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।